जिमिन, आगे के प्रश्न को पढ़ेंगे जहां पे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आज की सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम केवल प्रश्नों की व्याख्या ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये जानेंगे कि इन चारों विकल्पों का क्या क्या मतलब है और ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो की अंत तक बने रहिएगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठेगा, क्योंकि जो जो की पॉइंट आपको बेहतर लगेगी, जो परीक्षा वाले की पॉइंट होंगे, उन्हें आप सभी को नोट डाउन करते चलना होगा, लिखते हुए चलना होगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी भी होती हैं। प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दी गई कूट को चुनिए। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है। अब ये कह रहा है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे का उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब 45 अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। पृथ्वी के अक्ष के समानांतरता, पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है जी नहीं, 23 से ही 1/2 डिग्री झुकाव है। मतलब यह तो आपको गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, आपका गलत हो गया। अपसौर अवस्था में पृथ्वी की परिभ्रमण गति तीव्रति जी नहीं, उपसौर और अपसौर की अवस्था में ऐसी कोई घटना नहीं घटती। ठीक है, केवल नज़दीक और दूर का सवाल है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें कि 45 अक्षांश की लंबाई, जैसे यहाँ से हम ये देखें, ये हो गया 0 डिग्री। अब हम 45 अक्षांश तक आएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब 90 है, ये पूरा 90 है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 90 है और ये 45 और ये 45 है। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी विषुवत रेखा के, माने ये भी सही है और ये भी सही है। 1 और 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। मतलब इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह 1 और 2, अर्थात ए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। अगर आपको वीडियो साफ नहीं दिख रहा तो वीडियो की क्वालिटी सर्वथा आप बढ़ा लीजिएगा, ताकि वीडियो आपको पूरी तरह से HD में दिखाई दे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा जो इन लर्निंग विद दुर्गेश प्रतिदिन निःशुल्क लाइव सीरीज देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा इस प्रश्न का उत्तर 1 और 2 होगा, क्योंकि यह थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में प्रायः पूछे जाते हैं। चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। अगला प्रश्न आपके सामने है, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले एक जहाज के कैप्टन 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है, यदि उसकी जहाज की गति वही रहे तो पृथ्वी की घूर्णन की, तो वह अंतरिक्ष तिथि रेखा पर वह निम्न में से किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। थोड़ा सा ये प्रश्न जो है वो आपका कैसा है, यह प्रश्न 600 देशांतर रेखा का है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते हैं और इस प्रश्न को और अच्छी तरह से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या आप लोग इस प्रश्न को लेकर तैयार हैं, दिन को किस स्थानीय समय को किस दिन प्राप्त करेगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहले मैं जान लेते हैं कि यहाँ पर ये पूरी मान लेते हैं पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी का ये हो गया 0 डिग्री, इसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको पूरा खोल देते हैं तो यहाँ पर हमारा 0 डिग्री हो गया ग्रीनविच रेखा हो गई। ठीक है, और यहाँ पर हम चलते हैं 180 डिग्री, ये रेखा को मान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, माने 180 डिग्री ये भी पश्चिम है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज के एक कैप्टन को 90° पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा दिखा, माने वो यहाँ पर कहीं पहुँचता है तो उसे 10 बजे मंडे मिलता है। ठीक है, यहाँ तक हमने आप लोगों ने जान लिया। अब हम ये जानते हैं कि एक देशांतर दूरी करने तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, पश्चिम की ओर यात्रा करने पर समय घटेगा, 90° पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे क्या लिखा है, 10 बजे सोमवार लिखा है। ठीक है, स्थानीय समय, क्योंकि जहाज की गति और पृथ्वी की गति समान है, अतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर यह 10 पर 10 सोमवार स्थानीय समय प्राप्त करेगा। मतलब अगर हम वहाँ यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जा रहा है और पृथ्वी और इन दोनों की गति आपस में समान है तो वहाँ पर वही समय प्राप्त करेगा। क्या करेगा, वही समय प्राप्त करेगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, पूरी पृथ्वी 360 डिग्री है, 360 डिग्री घूमने में 24 आवर्स का समय लगता है, माने 1 आवर्स में लगेगा 360/24, माने पृथ्वी को 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री। हम जानते हैं एक घंटे बराबर 60 मिनट होता है और 15 डिग्री घूमती है। ठीक है, 1 डिग्री घूमने समय कितना लगेगा, तो 60/15 बराबर 1 डिग्री, माने 1 डिग्री पृथ्वी घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है परीक्षा में, कि जो पृथ्वी है वो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है और 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमती है।
इस आधार पर अगर पृथ्वी की भी गति समान है और उसी गति से वो चल रहा है तो दोनों का समय एक होगा, वह सोमवार 10 बजे ही पहुंचेगा। मतलब इस प्रश्न का, क्योंकि उसके साथ साथ चल रहा है तो उसकी दूरी तय करने में नियत समय लगेगा, इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी राइट आंसर होगा। सबको समझ में आ गया? अब जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला काम वीडियो को लाइक करने के बाद ये वीडियो अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। बाद में मत कहिएगा सर ये सीरीज हमें समझ में नहीं आई, क्योंकि ये परीक्षा वाले प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह वीडियो आप फेसबुक पेज और यूट्यूब पर निःशुल्क लाइव देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर धाराओं में एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती। यहाँ पर प्रश्न में ध्यान देना है कि नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न दिया है नहीं देती है, यहाँ पर यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्राजील की धारा, कनारी की धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह, ये देती है न। आइए इसके बारे में हम लोग और अच्छी तरीके से जानते हैं। बेंगोला की धारा, दक्षिण बिसोती धारा, ब्राजील की धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह में चारों मिलकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं, लेकिन जो कनारी की धारा है यह एक ठंडी धारा है। यह क्या है? एक ठंडी समुद्री धारा है जो अफ्रीका के पश्चिमी, जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी महासागर छोर पर कनारी द्वीप में बहती है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है, इसी को यह योगदान पूरी तरह से नहीं देती। जबकि बेंजोला की धारा है, दक्षिण बिसोती धारा है, ब्राजील की धारा है, पश्चिमी पवन प्रवाह है, ये अटलांटिक महासागर में वृत्त का निर्माण करते हैं। कौन कौन? बेंगोला की धारा, ब्राजील की धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह, ठीक है। इसके साथ साथ दक्षिणी बिसोती ये मिलकर एक चक्र बनाते हैं, लेकिन कनारी की धारा नहीं। एक प्रश्न आपके परीक्षा में आता है कि कनारी की धारा कौन सी धारा है, तो रट लीजिएगा जो कनारी की धारा ठंडी धारा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी महासागर की छोर पर कनारी द्वीप में बहती है, और यह उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। कौन सी? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। क्लियर हो गया? चलिए हम चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, क्लास के टाइमिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लास कितने बजे चलती है, तो आप लोग टाइम से लाइव आ जाया करिए, बार बार आपको कहना ना पड़े, ठीक है। और ये सिलेक्शन के लिए ही क्लास पढ़ाया जा रही है, इसका एक उद्देश्य वो प्रश्न लेकर आना जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन से लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? यहाँ पर फिर से वही है, सही नहीं है, माने यहाँ पे नकारात्मक प्रश्न है। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए किस पे नकारात्मक प्रश्न पूछा है, माने कौन सा सही नहीं है। 3 सही और 1 सही नहीं, बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में जाके। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, पैसा नहीं कटेगा। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये आर्द्र, यहाँ पे इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा क्या होगा? देखिए, ये आर्द्र आयनवर्ती प्रदेशों की मिट्टियाँ हैं, जी हाँ। ये बहुत ही अवक्षलित मिट्टियाँ हैं, जी हाँ। इनकी उर्वरता कम होती है, जी हाँ। ये चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जी नहीं। लेटराइट मिट्टी में चूना नहीं पाया जाता, नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस और मैग्नीशियम की मात्रा कम होती है। इसमें इस प्रकार की मिट्टी की उर्वरता कम होती है। इसका निर्माण शुष्क तथा आर्द्र मौसम के जो विलक्षण की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा होता है। अर्थात इस प्रश्न का जो उत्तर गलत है वही सही होगा, मतलब डी इस प्रश्न का सही विकल्प हम लोग लगाएंगे। क्लियर हो गया? या किसी के मन में अभी भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। बरमूडा, जो बरमूडा टाइल्स है कहाँ अवस्थित है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ पर आपका प्रश्न का गलत नहीं होना चाहिए। पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर, दक्षिण हिंद महासागर, प्रशांत, यहाँ दोनों पर नहीं है। अब ए और बी में बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या है, बताइए इसमें ए और बी में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। लाइव देखने वाले बताएं, या वीडियो को जो बाद में देख रहे हैं वो भी कमेंट में जाकर कमेंट किया करें। देखिए, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये हमने आप लोग को पढ़ाया था, इसलिए यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी के मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो जल्दी से फटाक से पूछ लें। चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? 3 नहीं 1 है, वही बताना है।
कौन सुमेलित है? गोंड अफ्रीका में है, बताइए। देखिए गोंड जो है ये भारत में है, ये तो आप लोग पहले से जानते होंगे। ये कौन सी है? गोंड, ओरान, ये भी भारत में है। लैप्च, ये यूरोपी टुंडा है, यूरोपी कह सकते हैं टुंड्रा। सभी लोग लिखना चाहते हो लिख लीजिएगा, वैसे आपकी मर्जी, लिखें या ना लिखें। हमने पहले कहा था कि हम प्रश्नों की विधिवत व्याख्या करेंगे, इसलिए एस्किमो जो है कनाडाई क्षेत्र में, साइबेरियन क्षेत्र में पाई जाती है, कनाडा में, ग्रीनलैंड में, साइबेरियन क्षेत्र में। अर्थात इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह आपका ए राइट आंसर होगा। अगर आपने इस प्रश्न का विकल्प ए लगाया है, इसका मतलब आपका जवाब पूरी तरह से सही है, ए वालों का यह राइट आंसर है। ठीक, अभी किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें, अन्यथा हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोषाधारी वन नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए जो कोषाधारी है इसको हम कोणधारी कर लीजिएगा, यहाँ पर ये टाइप गलत हो गया है, इसे लिख लीजिएगा कोणधारी वन, कोणधारी वन नहीं पाए जाते। तो तीन जगह पाए जाते, एक जगह नहीं पाया जाता। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइए। देखिए आज की क्लास अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो क्लास को हम भी छोटा कर देंगे। ठीक है, जब आप लोग यार मदद नहीं करेंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो अकेले कितनी मेहनत की जाएगी? लोगों तक तो पहुंचाना उतनी जिम्मेदारी आपकी जितनी मेरी। कोणधारी वन नहीं पाते, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ नहीं पाए जाते। देखिए फिनलैंड में पाए जाते हैं क्योंकि ये साइबेरिया है, बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं, तो ये टैगा वनस्पति कहलाती है, इसे इसे हम टैगा वनस्पति भी कहते हैं। ये कनाडा में मिलता है, स्वीडन में मिलता है, फिनलैंड, नॉर्वे, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया आदि क्षेत्रों में पाया जाता है, कनाडा पाया जाता है, स्कैंडिनेवियम पाया जाता है, लेकिन अमेजोरिया में नहीं पाया जाता। अच्छा, इस प्रकार के जो वन होते हैं, इस प्रकार के वन को हम टैगा वन भी कहते हैं। कौन सा वन? टैगा वन भी कहते हैं। यह बात आप यही या बर्फीले प्रदेश में पाया जाता है ऐसे जान लीजिएगा। ऐसे वन जो होते हैं बर्फीले क्षेत्र में मिलते हैं, इसलिए इससे होगा आपको विकल्प कभी आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे, माने जो गलत है वही सही है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? या किसी के मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो कमेंट करके जवाब जरूर देगा। चलिए अगला सवाल है आपके, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? मतलब तीन है और एक नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान देना नहीं, क्योंकि अगर आपने इस प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ा तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाले प्रश्न को आपको बारीकी से देखना जरूरी होता है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए। देखिए फिजी की राजधानी सुवा है, ये राजधानी, ये राज देखिए ये राजधानी है, ये देश है और ये राजधानी है। कुछ लोग को ये पता ही नहीं है कि ये दोनों है क्या, इसीलिए कहते क्लास को डेली पढ़िए, समय से लाइव आइए, तभी आपका काउंसिंग की है। क्या है? लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, हेलसिंकी। ओस्लो किसकी राजधानी है? कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा। गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है, लेबनान की बेरूत है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। ये आप बताइए ओस्लो किसकी राजधानी है? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी क्या है? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। विश्व भूगोल की एनसीईआरटी सीरीज की वो टॉपिक है जो आपकी परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यह आप लोग को कक्षा 10 के विश्व भूगोल के एनसीईआरटी सीरीज में यहाँ पे यह प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप चाहे तो इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट रख लें। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां पर यह बताना है कथन और कारक वाला प्रश्न है। ठीक है, कृष्ण छिद्र को ब्लैक होल कहते हैं, एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। सही है गलत मुझे नहीं पता, आप बताइएगा। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। अब नीचे देखिए कोट का प्रयोग करना, बताइए आप लोग क्या होगा। देखिए यहाँ पर ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए ये जानना है, न्यूट्रॉन तारे में अत्यधिक परिणाम द्रव्यमान होता है, एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाते हैं, ऐसे असीमित घनत्व
द्रव्य युक्त जो ब्लैक होल कहलाते हैं, द्रव युक्त जो पिंड होता है उन्हें ब्लैक होल कहते हैं। इस ब्लैक होल में छिद्र किसी भी द्रव या प्रकाश का पलायन नहीं हो सकता, इसलिए इसे देख नहीं सकते। अतः यदि हम किसी तारे को किसी ऐसे वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते देखते हैं जिसमें केंद्र में तारा दिखाई न दे, तो हम उस वृत्ताकार पथ के केंद्र में कृष्ण छिद्र की उपस्थिति की कल्पना कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये और ये दोनों सही है। जब ये दोनों सही है तो कथन ए आर दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या भी है। इसे ब्लैक होल, कृष्ण विवर का मतलब होता है ब्लैक होल, अंग्रेजी में ब्लैक होल कहते हैं, हिंदी में कृष्ण विवर के नाम से जानते हैं या कृष्ण छिद्र। अगला चार विकल्प है, निम्नलिखित में से आपको यहाँ पर यह बताना है कि दिए गए में से विकल्प में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे सही दिया उसके बाद नहीं दिया है, ये नकारात्मक प्रश्न है। ठीक है, ये कैसा प्रश्न है, ये नकारात्मक प्रश्न है। बताइए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके बताइए जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे। चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं सभी लोग, प्रश्न नंबर 70 को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से जवाब दीजिएगा। यहाँ पे जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परवर्ती गैस है, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है आप सभी के लिए। मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर आप प्रश्न को विधिवत नहीं पढ़ेंगे और क्लास को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो आपसे गलती होनी लाजमी है, लेकिन एक बार अगर आप इस तथ्य को पढ़ लेंगे तो भविष्य में कोई भी कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये आपका सही है, अधिकतम तापमान मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये सही भी है और नहीं भी है। ठीक है, आगे देखते हैं, शीत कटिबंध उभय गोलार्ध में ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है, ये भी सही है। जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है कि जो जेट धाराएं वायु की धाराएं होती हैं ये अत्यधिक ऊंचाई पर चलती हैं, परंतु वे धरातली मौसम को प्रभावित करती हैं। ठीक, जलवाष्प जो है गैस के रूप में वायुमंडल के निचली परत में ही पाए जाते हैं जो संघनित होने के वर्षा का रूप लेकर जमीन पर आते हैं। विषुवत रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ने के कारण बहुत गर्मी पड़ती है, परंतु अधिकतम ताप की मेखला विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती, यह बात आप लोग जानते रहिएगा, क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न था जहां से ज़्यादा लोग गलती करते, इसलिए मैं दोनों बात स्पष्ट कर दिया कि ध्यान से समझिएगा कि विषुवत रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ने के कारण बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन हमने एक बात और बताया था कि यहाँ पर प्रतिदिन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक घनघोर वर्षा होती है, तो यहाँ पर इसका कारण ये होगा कि बहुत गर्मी पड़ती है, लेकिन अधिकतम तापमान की जो मेखला है वो विषुवत रेखा के सहारे नहीं पाई जाती। फिर कहा है, जबकि सर्वाधिक तापमान द्युत्पन्न तापी भूमध्य रेखा 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर अध्यारोपित होती है। शीत कटिबंध उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में उपस्थित है, इसलिए यहाँ पर यह भी सही है, ये भी सही है, गलत केवल बी है और जो गलत है वही सही है। मैंने आपसे ये कहा था कि जितने लोग वीडियो को देखते हैं वो रेगुलर इस क्लास को देखें, वरना आप परीक्षा हाल में गलती करेंगे। तब ये मत कहिएगा कि दुर्गेश सर काश ऐसे प्रश्नों को हमें पढ़ा दिया गया होता, क्योंकि माइनर गलती है और एनसीईआरटी के ही प्रश्न है, और ये एनसीईआरटी का प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 7 में, ये कहाँ मिलेगा, क्लास 7th में आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी, जो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी के नाम से आती है, पर्यावरणीय भूगोल के नाम से आती है, और फिर ये अगर ऊपर जाएंगे तो कक्षा 12 में मिलेगा डिटेल में। ठीक, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप चाहे तो इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास सुरक्षित रख लें। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, ये हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लगातार वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपके मन में न कोई प्रश्न आएगा न किसी प्रकार की कोई गलती होगी। तो जल्दी से फटाक से कमेंट करिएगा और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। तो बताइए फटाफट कमेंट करके, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट जाएं कमेंट करें और बताएं। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में जाके।
सभी लोग चलिए बताइए फटाफट कमेंट करें क्या होगा। देखिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने एकदम सही बताया, बुध इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, माने बीस प्रश्न का सही जवाब है, माने जो बुध ग्रह है यहां आप लोगों ने एकदम सही है कि सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग के सवाल जो पूरी तरह समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर जहां भी आप देख रहे हैं वो जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, बताइए फटाफट कमेंट करें क्या होगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं चाहे फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो जहां पर ये भी देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए सवाल का जवाब जरूर देंगे। देखिए इस प्रश्न का अगर सही विकल्प की तरफ हम लोग बढ़े या अग्रसर हो तो इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी साथी, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 72, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर एकदम आसानी से मैं आपको समझाऊंगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और सारी प्रश्नों को हम अच्छी तरह से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, देखिए जायरे से नीदरलैंड की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधी भूमध्य सागरी पश्चिमी यूरोपी, मान इस प्रश्न का उत्तर जो होगा कौन सा क्रम सही है, यहाँ पर यह बताना है कि कौन सा क्रम सही है, तो यहाँ पर होगा भूमध्य रेखी जलवायु। देखिए जायरे से, देखिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ जायरा, यहाँ पर हो गया जायरे। ठीक है, जायरे से अगर हम नीदरलैंड की तरफ जा रहे हैं तो जायरे से जब नीदरलैंड की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, जायरे से नीदरलैंड की तरफ जाने में पहले भूमध्य रेखा मिलेगा, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, पहले भूमध्य रेखी जलवायु। ठीक है, उसके बाद उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उसके बाद उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, फिर उसके बाद भूमध्य सागरी जलवायु, फिर भूमध्य सागरी जलवायु, फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, फिर पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो ये क्रम है किधर से किधर जब हम जायरे से नीदरलैंड की तरफ चलते हैं तब। तो यहां पे इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ए इसका राइट आंसर होगा, ये बात आप लोग जान लीजिएगा क्योंकि कौन सा क्रम सही है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सा एक देश भौगोलिक रूप में अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनैतिक दृष्टि में यूरोप का भाग है। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का एक बात तो आप लोग को जानना है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब मेरा कितना भी पढ़ाना बेकार है, लोगों तक जब चीज़ें नहीं पहुँचेंगी या लोगों तक चीज़ें नहीं पहुँचेंगी तो कैसे होगा, बताइए जरा कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे होगा, जब तक चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंचेंगी तो इतनी मेहनत से जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कैसे होगा। देखिए इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं, कौन सा एक देश है जो भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक रूप से अमेरिका का हिस्सा न होकर यूरोप का हिस्सा है। बहुत ही आसान प्रश्न, इसको हमने पढ़ाया है, अगर आप लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे तो यकीन मानिए आप इस प्रश्न का जवाब जरूर बता लेंगे, बताइए जल्दी से फटाक से कमेंट करके सभी साथी। देखिए यहां पर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसके, कनाडा उत्तरी अमेरिका के पास में है, लेकिन इस पर अधिकार किसका, डेनमार्क का, अधिकार किसका, डेनमार्क का, हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ लिया था। इसकी खोज किसने किया था, अगर इसका पूछ लिया जाए नार्वे जो खोज किसने किया था, इरिक द रीड, अगर यहां पूछा जाए खोज किसने किया था तो एक लाइन ये भी लिख लीजिएगा, इरिक द रीड, इरिक द रीड कब, 1686 में। इसका 1/7 भाग बर्फ से जब ढका हुआ है। ठीक है, अगर हम कैनारी आइसलैंड की बात करें तो इस
कैनारी में स्पेन स्पेन का अधिकार है। यह ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है और 1341 में पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा। लिखना चाहें लिख लीजिएगा, पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया। अगर क्यूबा की बात करें तो ये एक संप्रभु देश है और कैरिबियाई सागर में है, ये कैरिबियाई सागर में है। और अगर बात की जाए कि इसको किसने खोजा था तो कोलंबस ने खोजा था। ध्यान दीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कोलंबस ने सभी लोग लिख रहे हैं कि नहीं, कोलंबस ने खोजा था। तो अब एक छोटा सवाल आपके मन में बैठ गया और बन भी गया है, आपको बताना है आइसलैंड कहाँ है, आइसलैंड पर किसका अधिकार है, आइसलैंड को किसने खोजा है, आप लोगों को इसका जवाब देना है। अगर आप रेगुलर ई लर्निंग विद दुर्गेश की चाहे फेसबुक चाहे व्हाट्सएप चाहे जिस क्लास में इसको पढ़ रहे हैं वहाँ पे देखने के बाद आप इसका जवाब जरूर देंगे। अगर क्लासेस संतुष्ट हैं तो अपने 10 साथियों को प्रतिदिन जोड़िएगा, उन्हें बताइएगा क्लास के बारे में। ठीक है, चलते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। विश्व की कौन सी सर्वाधिक गहरी झील है? जल्दी जल्दी कमेंट करके और बताइए विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। देखिए सबसे गहरी झील कौन सी है, जल्दी कमेंट करके बताइएगा। देखिए बहुत सारे लोगों ने उत्तर बताया, कुछ लोगों ने टिटिकाका बताया है। तो टिटिकाका के बारे में आपको एक बात बता दूं, ये सबसे ऊंची झील है, ये है सबसे ऊंचाई पर है। और इस प्रश्न का उत्तर होगा ये सबसे नीचे है, गहरी झील है, ये सबसे गहरी। ये दोनों बात याद है, इस प्रश्न में दोनों विकल्प आपका ऐसा सेट है ताकि आपको जान लें। पहले मृत सागर क्या था, ये पहले लवणता ज्यादा था लेकिन अब कौन हो गया है, वान झील। पहले मृत सागर ज्यादा था लेकिन अब क्या हो गया, वान झील हो गया है। इसके पहले हमने इसकी वीडियो लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, किसी के मन में कोई सवाल कोई प्रश्न है? वीडियो पूरी तरह साफ HD में चल रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्लास से संतुष्ट हो रहे हैं ना। अच्छी बताइएगा विक्टोरिया झील कहां पर है, विक्टोरिया झील कहां पर है, सभी लोग जवाब दें। किस महान महाद्वीप में है? दूसरी बात, एक बात याद रखिएगा, नील नदी का उद्गम कौन सा है, नील नदी का उद्गम आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा और जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, नील नदी का उद्गम कहां पर है? ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, विली विली क्या है, बताइए जल्दी से कमेंट करके, विली विली क्या है भैया, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, ये विली विली क्या है? जल्दी बताइए ये विली विली क्या है, जल्दी से कमेंट करिएगा, ये विली विली क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहां पे मैं चाहूंगा कि इस तथ्य को भी मैं स्पष्ट करूं और पूरा स्पष्ट रूप से बताऊं कि विली विली क्या है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट के समीप उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय जो तीव्र तूफान है उन्हें हम क्या कहते हैं, विली विली, एक तरह की चक्रवात है। मतलब यह क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला कटिबंधी चक्रवात है। माने ए इस प्रश्न का ए सही जवाब है। अब टाइफून, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र चीन सागर से आने वाले लघु प्रबल एवं भ्रमित उष्णकटिबंधीय तूफान को टाइफून कहते हैं। ये कहां चलता है, ये चीन सागर में, चीन सागर, और चीन सागर के पास कहां, पश्चिमी प्रशांत महासागर।
पश्चिमी, प्रशांत, महासागर के तट के सहारे चलता है। बहुत ऊंचा ज्वार, बृहद ज्वार, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक ही दिशा में कार्य करता है जिसमें बहुत अधिक ज्वार उठता है, और ऊपर उठने को ज्वार और नीचे जाने को भाटा, ज्वार भाटा हमने पढ़ा दिया है। आप अगर लगातार क्लास में पढ़ रहे होंगे आपको इस बात की जानकारी होगी। भारत के ऊपर चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं, ये नहीं। इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ए सही और राइट आंसर है। चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। वह कौन सी तिथियां हैं जब दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं? वह कौन सी तिथियां हैं जहां पे दिन और रात आपस में बराबर होते हैं? बताइए जल्दी से। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। बताइएगा जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाके। कौन सी तिथि में जब दोनों गोलार्ध दिन और रात बराबर होते हैं? मैंने बताया है, सभी लोग इसका जवाब जरूर देंगे। अगर लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे लेंगे। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, देखिए 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं, इसलिए इन दोनों गोलार्धों में दिन और रात की जो अवधि होती है वो आपस में बराबर होती है। मतलब यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न है उस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा वह सी का सही और राइट आंसर है। मैंने अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है इसका मतलब आपका जवाब पूरी तरह से सही है। चलते हैं हम एक और अगले प्रश्न की तरफ। अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक समझ लिया, इसका मतलब ये है कि आपने इस सारे जो प्रश्न हैं इनका उत्तर आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। ये हमने इसके पहले व्याख्या कर दी है इसलिए बार बार व्याख्या करना उचित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा सभी साथी, कि कौन सुमेलित नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आप लोग ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए जल्दी फटाफट कॉमेंट करके। जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ना फटाफट कमेंट करें, कमेंट करने के बाद दिए गए प्रश्न का जवाब दें। कौन सा सुमेलित नहीं है? तीन है एक नहीं है, 77 जल्दी से बताइए। देखिए आप लोग सपोर्ट नहीं करें आज की क्लास में, लगता है जल्दी बंद करनी पड़ेगी। आप लोग ना सवाल का जवाब देते हैं ना लोगों तक पहुंचाते हैं, मतलब और बेहतर इतना ज्यादा जल्दी दे दीजिए ताकि और लोग को लगे यार क्या बात है कितनी जल्दी दिया। देखिए चिनुक ये स्थानीय हवा है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में चलती है। बुरन हवा ये सहारा में चलती है, इसका नाम थोड़ा सा और है ठीक है, लेकिन यहाँ पे बुरन देश लिए यही जान लीजिएगा सारा। एक विजर्ड है जो यहाँ पे दिया है चिली में, ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और फिर सामुमख है ये ईरान में चलती है, लेकिन जो विजर्ड है वो चिली में नहीं चलती। चिली क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, जबकि जो विजर्ड चलती है ठंडी हवा है, और ठंडी चीज कहाँ पे चलेगी, साइबेरिया और कनाडा। लिखना चाहे लिख लीजिएगा, साइबेरिया व कनाडा के क्षेत्रों में चलती है, जबकि चिनुक एक गर्म स्थानीय पवन है जो अमेरिका में चलती है। सिराको सिसली में चलने वाली एक गर्म स्थानीय पवन है, ठीक है। यहाँ तक किसी के मन में अगर कोई सवाल हो, अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं एक और अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल तो नहीं है ना? अगला है, शुक्र पारगम 8 जून 2004 को देखा गया, इससे पूरी घटना कब घटी थी? तो मैं यहां पे आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं स्वयं बता दे रहा हूं। अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा, इसके पहले एक मिनट रुक जाइएगा, यहाँ पे गलती हो गई।
चिनुकॉन एशिया में चलती है, जो बुरन है ये साइबेरिया में चलती है, ये सहारा में चलती है, ये साइबेरिया में चलती है, एक मिनट रुकिएगा, ये साइबेरिया में चलती है, एक मिनट रुकिएगा, सही कर लीजिएगा, ये साइबेरिया में चलने वाली एक ठंडी हवा है, ये ठंडी हवा है, स्थानीय पवन है, ये भी है, ये भी ठंडी है, चिनुक आती है, गर्मी आती है, ये गर्म हवा है, ये गर्म हवा है, ब्लिजर्ड जो है ये गतिशील हिम का जो प्रचंड तूफान है, इसे बर्फीली तूफान कहते हैं, ये भी आपका सही है, ठीक है। और जो मामूम है ये ईरान में चलता है, सहारा तथा अरब में, ये कहाँ चलता है, सहारा एक मिनट, सहारा और अरब में चलता है, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसे दम घोटू पवन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, दम घोटू पवन कहते हैं, शुष्क सामूम को कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी गलत होगा, और जो गलत है वही सही होगा, एक बार आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा, नहीं तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो जाएगी, और उसके लिए सॉरी, क्योंकि बुरन जो है साइबेरिया ठंडी हवा चलती है, ठीक है। और हमने चिली बता दे, बिजली जो ब्लिजर्ड जो है यहाँ पे, ये ब्लिजर्ड ऐसे नहीं लिखा जाएगा, वो ब्लिजर्ड होता है, ठीक है, ये एक हिम का प्रचंड तूफान है, इसे बर्फीली तूफान कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला है जो शुक्र का पारगन, शुक्र का सामने से होकर गुजरना शुक्र का सूर्य पारगन कहलाता है, जैसे ध्यान से देखिएगा, शुक्र का सूर्य के सामने से होकर गुजरना शुक्र का सूर्य पारगमन कहलाता है, ऐसे अवसर पर शुक्र जो होता है काले बिंदु के रूप में आता है और सूर्य के गाले पर धीरे 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 सरकते हुए नजर आता है, यह क्रम से 8, 105, 8, 121, 8, 105, मतलब 8 देखा जाए तो ये 8 वर्षों के अंतराल पर होता है, ठीक है, समझ में आ रहा आप लोग को, नहीं आ रहा है, चलिए, जैसे 8 वर्षों के अंतराल पर सूर्य के सामने से गुजरता है, सूर्य का विगत पारगम 6 दिसंबर 1882 को हुआ था, फिर 121 वर्षों के पश्चात, फिर 121 वर्षों के पश्चात, देखिए एक जैसे ऐसे होता है, 8 वर्ष, 105 वर्ष, 8 वर्ष, 121 वर्ष, 8 वर्ष, 105 वर्ष, फिर ऐसे 8 वर्ष, तो ये 8 वर्ष के अंतराल पर से सूर्य सामने गुजरता है। विगत अगर पारगम की बात देखा जाए तो यहाँ पे एक बार घटना घटी थी 6 दिसंबर, 21 वर्ष के बाद यह है 8 जून 2004 को देखा गया, 8 जून 2004 को देखा गया। इसका पुनः अगला अगर पारगम देखा जाए तो 8 जून को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 121 साल है, अब यहाँ पे कितना साल होगा, 8 साल होगा, तो कितना देखा जाएगा, 8 जून 2012 में देखा जा चुका है, मतलब बुध और शुक्र ग्रह ही पारगमन करते हैं, दो ग्रह करते हैं, अगर पारगमन की बात किया जाए दो ही ग्रह करते हैं, एक बुध व शुक्र, दो ही ग्रह करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा, यहाँ पर 121 वर्ष होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर 122 है, इसको कर लीजिएगा 121 वर्ष, ठीक है, 121 वर्ष कर लीजिएगा, 121 वर्ष, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है, यार आपकी संख्या कम है, बस एक प्रश्न और पढ़ेंगे उसके बाद आज की सीरीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग पर दुर्गेश पर जुड़ जाइएगा ताकि हर क्लास की लिंक आपको सबसे पहले मिल जाए, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके, आप लोग की संख्या नहीं बढ़ेगी। पारगमन क्या होता, मैंने बताया कि शुक्र का सूर्य के सामने से होकर गुजरना सूर्य का पारगमन कहलाता है और बुध दो शुक्र दो ही ग्रह गुजरते हैं। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है, तो जल्दी जल्दी बताइएगा, पंपास कहते हैं, क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं, ठीक है। प्रेरी जो होता है ये उत्तरी, ये उत्तरी अमेरिका में है, ये उत्तरी अमेरिका, ठीक। स्टेपी कहाँ है,
एशिया में है। अच्छा सिल्वा क्या, जरा कमेंट करके बताइएगा ये सिल्वा क्या है, सिल्वा क्या है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न के साथ प्रश्न अगर आप याद करते चलेंगे तो जिस दिन सेशन खत्म होगी उस दिन आपका भूगोल से मोस्टली प्रश्न जो होंगे सही होना शुरू हो जाएगा। क्या सभी लोगों ने वीडियो को शेयर कर दिया है? चलिए अगला, ये माउनालोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ का है? देखिए आज के लिए इतना ही, ऑनलाइन क्लास या नोट्स संबंध अगर कोई जानकारी चाहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं। यह क्लास जनपुर जनपद के सिराजा हिंद से आप सभी के लिए निःशुल्क लाइव चलती है। ठीक है, बताइए माउनालोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कल से आप लोग टाइम से रहिएगा, अगर समय से नहीं रहेंगे तो कोई मतलब नहीं पढ़ाने का। सभी क्लास की लिंक टेलीग्राम पर मिल जाती है। देखिए माउनालोवा अलास्का, हवाई द्वीप, इटली, जापान। देखिए इसका बी होगा, हवाई का। ये फेसबुक पे भी यूट्यूब पर भी निःशुल्क लाइव चल रही है और प्ले स्टोर से ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर माउनालोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी जो यूएसए में, कहाँ पर है ये? आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत है। इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो 4170 मीटर है लगभग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, इतना ही है। अगर विश्ववियस की बात की जाए तो इटली का ज्वालामुखी है, विश्ववियस की बात की जाए वो भी सक्रिय है, हो सकता है पूछ दें। तो मेरा उद्देश्य यही होता है ना कि आप लोग ये परीक्षा में अगर प्रश्न आ जाए तो गलत ना होने पाए। ये विश्ववियस इटली की ज्वालामुखी है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें लगभग ये 1208 मीटर है, लगभग है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। जापान की देखा जाए तो फ्यूजीयामा, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है। फ्यूजीयामा, मेरी राइटिंग गड़बड़ है। अब अलास्का ज्वालामुखी कहां पे है? ये डेगेन पर्वत में है। यहां देखा जाए तो डेनगिल पर्वत है अलास्का का ज्वालामुखी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? अलास्का का। अगर अलास्का में सक्रिय ज्वालामुखी देखा जाए तो क्या है? सक्रिय नहीं है, डेंगल पर्वत। ठीक है, ये कहाँ? अलास्का ज्वालामुखी कहाँ पर है? यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, गला भी बैठ जाता है, गला पूरा पकड़ लेता है, लगातार क्लास होती है क्योंकि बाकी पूरे दिन क्लास चलती रहती है आपकी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग यहाँ तक जुड़े रहे। ठीक है, चलते हैं तब, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत, चलते हैं, बाय बाय। हाँ कल थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक, कल हम लोग प्रयास करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेंगे, क्योंकि आप लोग तैयार करिए और प्रश्नों का जवाब थोड़ा सा दीजिए, और ये एनसीईआरटी का जो कुछ ऐसे हिस्से हैं जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वो सीरीज हमने आपके लिए पैक करके आपको दे दिया है, ताकि आपकी जो तैयारी हो और अच्छी तरह से होना चाहिए। थैंक्स टू ऑल एवरी वन, प्लीज़ शेयर एवरी वन, और लाइक से सब्सक्राइब करें या ना करें लेकिन लोगों तक तो पहुँचाइएगा, कर भला तो हो भला। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बेस्ट ऑफ लक।